तक आप लोग सुन चुके हैं, क्या बतलाया है कि जो सर्वगुह्यतम ज्ञान है वचन, उसको भी तू मुझसे सुन, क्योंकि तू मेरा भक्त है, प्रिय है। तो इसलिए अत्यंत जो गुप्त बात है वो भी मैं तुझे बता रहा हूं। क्या बात बतलाई थी? मेरे में ही मन लगाने वाला हो, मेरा ही भक्त हो, अर्थात मेरे को ही प्रेम करने वाला हो और मेरी ही पूजा करने वाला हो, देह आदि की नहीं, और मेरे को ही नमस्कार करने वाला हो। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। क्या होगा? जब निरंतर मन परमात्मा में लगा रहेगा तो वही परमात्मा प्राप्त होगा, क्योंकि जहां मन लगा होता है वही तो प्राप्त होता है। जहां आपका मन लगा होता है, जो संकल्प दृढ़ होता है, उसकी ही प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से मेरे में मन लगा होगा, मेरा ही भक्त होगा, मेरे ही पूजा करेगा, मेरे को ही नमस्कार करेगा, तो मुझे ही प्राप्त होगा है? और तू मेरा अत्यंत प्रिय है, मैं ये प्रतिज्ञा, सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसीलिए ये रहस्य की बात तेरे को बता रहा हूं। इसलिए सब कुछ छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब समस्त जो धर्म है, जो कर्म है और उन कर्मों का जो फल है, आसक्ति युक्त समस्त कर्मों का परित्याग करके माम एकम शरणम व्रजा, एक मेरी ही शरण में आ जा, एक मेरी ही शरण में आ जा। और क्या बदलाया था? मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। मा सुचः, शोक मत कर, चिंता मत कर। तो जब परमात्मा का ही चिंतन करता रहेगा, हृदय विशुद्ध हो जाएगा, और हृदय विशुद्ध हो जाने से ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा है? और जो अपना इष्ट है वो ज्ञान प्राप्ति का क्या बनाएगा? संयोग बनाएगा। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, पीछे बताया भी था कि जो मेरे सगुण रूप का भजन कर रहा है, अनन्य भाव से, आसक्ति से रहित होकर, किसी भी प्रकार की कामना से रहित होकर,
जो मुझ परमात्मा का चिंतन कर रहा है, सगुण परमात्मा का, तो मैं क्या करता हूं, उसको बुद्धि योग देता हूं, अर्थात ज्ञान योग प्रदान कर देता हूं किसी संत के, सदगुरु के माध्यम से। और उस ज्ञान योग, उस आत्मज्ञान के द्वारा वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो किससे प्राप्त? परमात्म प्राप्ति तो मोक्ष तो जो कैवल्य पद है वो तो केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है। भक्ति जो है, सगुण भक्ति या और अन्य जो भी सत्कर्म है, उनसे ज्ञान की पात्रता आएगी, अंतःकरण विशुद्ध होगा, विवेक वैराग्य होगा, और जो ज्ञान प्राप्ति का संयोग बन जाएगा, ऐसा संतों का समागम, संत का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति को जिज्ञासा तो हो और संत का सानिध्य ना मिले, संत ही के दर्शन ही ना मिले, तो और ही कर्म कांड में उलझ पुलझ रहे, तो ये भी एक प्रतिबंध हो जाता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्या करूंगा मैं उसको, भक्ति योग वो कर रहा है तो ज्ञान योग का अधिकारी हो गया है। और अब ज्ञान योग का अधिकारी होने के पश्चात उसको ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है, सत्संग, संत का सानिध्य, उसको प्राप्त कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। और जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर लेंगे, अर्थात मुझ ईश्वर को जो सबके हृदय में विराजमान है, जो व्यापक तत्व है, परमात्म तत्व, उसको प्राप्त कर। तो ये बात बतला दी। तो शोक मत कर, क्या बताया है? शोक मत कर। शोक मत कर। फिर क्या बतलाया था कि ये जो ज्ञान है ना, अतपस्काय न वाच्यम, जिसने तप नहीं किया है, जो तप रहित है, उसको ये ज्ञान नहीं देना। अब जो तप तो किया है लेकिन भक्त नहीं है, तपस्वी है लेकिन भक्त नहीं है, उसको भी ये ज्ञान मत दे। और जो तप भी जिसने किया हो और जो भक्त भी हो, लेकिन जिसने सेवा ना की हो या जिसको सुनने की इच्छा ना हो, तो उसको भी ये ज्ञान नहीं देना। कदाचना अभी ना वाच्यम, कभी भी नहीं कहना उनके प्रति। किनके प्रति? जो तप से रहित है, जो भक्ति भाव से रहित है, और जो शुश्रूषा सेवा या सुनने की इच्छा से रहित है, उनको ये ज्ञान मत कहना जो मैंने तेरे प्रति कहा है। तेरे प्रति मैंने कहा है, इस ज्ञान को उनके प्रति मत कहना। और साथ नचा माम योभ्य सूयति, और जो मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं, दोष देखने वाले हैं, उनसे भी ये ज्ञान मत कहना, अर्थात जो द्वेषी है। देखो, समझ लो, जैसे आप किसी से द्वेष करते हैं, तो द्वेष करने से आप परमात्मा से ही द्वेष कर रहे हैं। किससे द्वेष कर रहे? परमात्मा से द्वेष। क्योंकि सबके हृदय में कौन है? परमात्मा ही है ना। तो आप कहते हो कि भाई ये जो व्यक्ति है ये दुष्ट है, तो दुष्ट आप आत्मा को कह रहे हो क्या? है उसकी जो अंतःकरण रूपी उपाधि है वो दुष्ट हो सकती है। जैसे शरीर शक्तिहीन या शक्ति युक्त तो होता है, ऐसी इंद्रिया भी शक्तिहीन या
शक्तिशाली होती है, वैसे ही ये जो सद्गुण है या दुर्गुण है आत्मा में तो नहीं है, किसमें? अंतःकरण में। तो कोई व्यक्ति दुष्ट है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये दुष्ट है, तो आत्मा को दुष्ट कह रहे हैं क्या? अंतःकरण। लेकिन स्थूल रूप से देखा जाए तो आप उसी को कह रहे ना, पुरुष को ही कह रहे ना, पुरुष माने जो अंतर में जो आत्म परमात्मा है उसी को आप क्या कह रहे हो? दुष्ट कह रहे। तो जो मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं अर्थात दोष देखने वाले हैं मुझ परमात्मा, राम रावण को मार रहे हैं, राम दुष्ट जान करके, लेकिन राम जी जानते हैं आत्मा ही है, लेकिन इसकी जो उपाधि है उसमें विकृति आ गई। जैसे आपके शरीर में विकृति आ जाए, मैंने कई बार बताया राम के हृदय में क्या, रावण के प्रति करुणा, और रावण के हृदय में राम के प्रति क्या है? द्वेष, शत्रु भाव, वैर। राम के हृदय में करुणा है कि बेचारा पाप कर रहा है, कहां भोगेगा इतना कष्ट, ये जो पाप कर रहा है भोगना पड़ेगा ना, तो राम जी को दया है उसके ऊपर, इसलिए कहते हैं कि इसका मर जाना ही ठीक है, इसका मर जाना ठीक है, अन्यथा जितना जिएगा उतना क्या करेगा? पाप करेगा। तो राम के हृदय में तो रावण के प्रति भी करुणा है, और राम जी जानते हैं तो मेरी ही आत्मा है, तो मेरा ही अपना आप है, मेरा ही अपना ही स्वरूप है, लेकिन उपचार तो करना पड़ेगा, जो विकृति आ गई है, दोष आ गया है, उसको तो निकालना पड़ेगा ना। जैसे कफ बढ़ जाए आपके शरीर में, या पित्त बढ़ जाए, या वात बढ़ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? दोष को तो निकालना पड़ेगा है? वैसे ही तो इसलिए जो मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं, दोष दर्शन करते हैं, जबकि परमात्मा क्या है? अकर्ता है, अभोक्ता है, असंग निर्लेप साक्षी सच्चिदानंद रूप से सब में विराजमान है, सब में, सूकर में भी, कूकर में भी, बिल्ली में भी, हाथी में भी, चांडाल में भी, सब में कौन विराजमान है? परमात्मा विराजमान है। इसलिए द्वेष नहीं करना है, अहित नहीं करना है, कष्ट नहीं पहुंचाना है, हिंसा नहीं करनी है। कर सको तो क्या करो? दया करो। कर सको तो क्या करो? दया करो, सहयोग करो, सेवा करो, परोपकार करो, कर सकते हो तो, और उसमें आत्म भाव कर सको, ये तो अंतिम बात है। वो तो कहा ही है कि सब कुछ वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जो निश्चय जिसका है ऐसा महात्मा तो अत्यंत दुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही, ऐसा जिनका निश्चय है, तो उनकी दृष्टि में सज्जन दुष्ट नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि में हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक जो निश्चय है, जो उनकी निष्ठा है, उस दृष्टि में कोई सज्जन दुष्ट भी नहीं है। सबके प्रति यदि द्वैत में है तो करुणा है, और अद्वैत में है तो सबके सब अपनी आत्मा है। सबके सब क्या है? तो इस प्रकार से बतला दिया है, क्या बताया? तप जिसने नहीं किया, जो श्रद्धालु नहीं है, जिसने सेवा नहीं की है, और जो मुझ परमात्मा में दोष देखने वाले हैं, उनको ये ज्ञान मत सुनाना, मत कहना। बताया जाता ना कि दिखाना मत किसी को है,
जो अपात्र हो अनाधिकारी हो उनको ये मत कह देना, उनको मत दिखाना है। ये अत्यंत गुह्य सर्वगुह्यतम बात आपको बतलाई थी। क्या गुह्यतम बात बतलाई थी? स्मरण है? नहीं है, कहीं पर बतला दिया है, आगे नहीं बताऊंगा, 5-7 बार तो बता दिया है। अच्छा जी, अब जो है आप लोग 68 श्लोक देखिए। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्ति स्वविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव शत्य संशयः। यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः। यह इमं परमं गुह्यं, यह माने जो, इमं माने इस, परमं गुह्यं जो अत्यंत गुह्य है, जो क्या है? अत्यंत गुह्य है, अत्यंत गुप्त, ये जो ज्ञान है। क्या ये संपूर्ण गीता ही वास्तव में अत्यंत गुह्य है? शास्त्रों का मूल्य महत्व नहीं समझ पाते संसारी लोग, अन्यथा जैसे शरीर में सब कुछ हो और आंखें ना हो। बहुत सुंदर शरीर है, हृष्ट पुष्ट है, अंग प्रत्यंग बड़े बड़े ही बलिष्ठ है, लेकिन आंखें नहीं है। ठीक है, चलेगा? क्यों जी? तो वैसे ही ये जो शास्त्र है ना, ज्ञान, ये चक्षु है, और ये जिसके पास नहीं है वो अंधा ही है। वो क्या है? अंधा ही। जिसके पास ज्ञान नहीं है, शास्त्र नहीं है, शास्त्र घर में लाके रखने की बात नहीं है, शास्त्रों में वर्णित जो ज्ञान जिसके पास नहीं है, तो वो तो अंधा ही है। तो ऐसे ऐसे अनमोल ग्रंथ रखे हुए हैं, फुर्सत है क्या? फुर्सत तो खूब है, पर देखते हैं क्या? हैं? देखने का भाव भी नहीं है कि देखना है हमें। यदि पूछा जाए तो लिस्ट बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट में कहीं पर भी सत्संग या स्वाध्याय या सदग्रंथ के अनुशीलन की तरफ कोई दृष्टि नहीं है, जबकि यही तो जीवन की, इसमें जो सार है, ज्ञान है, अनुभव है, वो इसमें है। संसार का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, धर्म अधर्म का स्वरूप, सत्य असत्य का स्वरूप, सब कुछ तो शास्त्रों में वर्णित है ना। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि ज्ञान, ज्ञानेन हीनः पशु भी समानः, जो ज्ञान से विहीन है वो तो क्या है? पशु ही है, पशु से अधिक नहीं है। तो इसलिए ये जो गीता शास्त्र है ना, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अत्यंत ही गुप्त ज्ञान है, अत्यंत गुप्त ज्ञान, इसलिए विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। सदग्रंथों में, संतों की वाणी में क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, पथ प्रदर्शक है। जैसे कई मूढ़ लोग होते हैं ना, सड़क पर लाइटें लगी होती है, किसके लिए है?
कि आप अंधेरे में ना जाए, लेकिन आपने अबोध लोग देखा होगा उन लाइटों को तोड़ देते, अंधेरे में किसको जाना पड़ेगा, आपको ही अंधेरे में जाना पड़ेगा ना। अहित किसका किया आपने, अपना ही अहित किया है ना। तो वैसे ही ये जो सदग्रंथ है ये तो पथ प्रदर्शक है, सड़क की लाइट, प्रकाश, जैसे सूर्य सब कुछ प्रकाशित कर रहा है ना, सड़क की लाइट तो क्या कहे, वो तो समझाने के लिए हम कह रहे हैं, अन्यथा ये तो सूर्य है, यही सूर्य है वास्तव कि जो सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, सूर्य से सबका विवेक हो जाता है ना, पौधे का, दरवाजे का, पंखे का, घड़ी का, व्यक्तियों का, गमले का, दीवार का, पो है वृक्ष आदि सबका विवेक हो रहा है, सब अलग अलग दिख रहे किससे, प्रकाश से। तो वैसे ही ये शास्त्र के ज्ञान से सब कुछ अलग अलग दिख जाता है, सब कुछ अलग अलग दिख जाता है, सत्य असत्य, हित अहित, धर्म अधर्म, जगत का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप, सब कुछ, लोक परलोक सब कुछ स्पष्ट हो जाते। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि ये जो परम गुई है, ज्ञान है, मद भक्तेषु अभिधास्यति, जो मेरे भक्तों में कहेगा, अभिधास्यति माने वक्ष्यति, मेरे भक्तों में जो इसको सुनाएगा, मूल रूप से मतलब केवल पाठ या अर्थ सही, जो भक्तों के समुदाय में इस गुप्त ज्ञान को जो कहेगा, चाहे पाठ रूप से या फिर इसका अर्थ, इसके भाव रूप से, तो क्या है उसके लिए बतला रहे, जो इस प्रकार से भक्तों के समुदाय में कहेगा तो उसके लिए बतलाते हैं, भक्तिम मई पराम कृत्वा, मई पराम भक्तिम कृत्वा, ये जो ज्ञान है इसको भक्तों में सुनाना ही क्या बतलाया है, पराम भक्तिम, क्या बतलाया इसको, कि मेरा यही जो है परम भक्ति है, पराभक्ति है। पराभक्ति क्यों है, पराभक्ति का अभिप्राय है अनन्य भक्ति, और अनन्य भक्ति का अभिप्राय है कि चित्त बहिर्मुख होके संसार के चिंतन में न जाना, संसार के चिंतन से रहित होकर परमात्मा के ही श्रवण मनन निदिध्यासन जो परायण है, अर्थात जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसकी इंद्रिया निरंतर कहाँ लगी हुई है, परमात्मा चिंतन में। जो कर्म है वो सेवा है, जो भी कर्म हो वो क्या है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, है ना, यद यद कर्म करोमि तद अखिलम संभो तवाराधनम, जो जो मैं कर्म करता हूँ हे भगवान वो सब का सब आपकी आराधना है। भावी काम वही करने, जो आप कर रहे हो वही करना है, अशुभ छोड़ के, शास्त्र निषिद्ध छोड़ कर जो आप कर रहे हो वही करना है, कोई काम में बदले बदलाव की जरूरत नहीं है, बस दृष्टि बदल जाएगी, भाव बदल जाएगा। पहले आप करते थे किसके लिए, अपने शरीर के लिए, या अपनी इंद्रियों के लिए, या अपने मन के लिए, या अपने जिनको आप शरीर के संबंधी उनके लिए, पुत्र के लिए, स्त्री के लिए, भाई के लिए, जहां जहां आपकी अहमता ममता थी, अब अहमता ममता नहीं रही, काम वही कर रहे हो आप, लेकिन अब सबका सब, और फल भी आपको वही मिलेगा, लेकिन अब आप कर्म कर रहे हो तो किसके लिए, ईश्वरार्थ,
अब आप कर्म परमात्मा का कर्म है, परमात्मा ही कराने वाला है, प्रेरणा देने वाला भी और कराने वाला भी, और कर्म भी परमात्मा का और फल भी परमात्मा। बस केवल अहमता ममता स्वार्थ मोह गलित हो गया, कर्म वही हो रहा है, फिर भी वही कर्म करना है, वही भोजन बनाना हो, चाहे वही झाड़ू लगाना हो, चाहे वही वस्त्र आदि धोने हो, काम वही होने। लेकिन वो सब के सब कर्म, पहले कर्म थे बांधने वाले थे, अब वो सब के सब पूजा बन गए, वो सब के सब भक्ति बन गए। ज्ञान हुआ तो दृष्टि परिवर्तित हुई, और उस दृष्टि परिवर्तित होने से, भाव बदल जाने से, समझ आ जाने से क्या हो जाते, आपके कर्म ही आपकी साधना बन जाती है, उपासना बन जाती है, भक्ति बन जाती है। ये विज्ञान है, तभी तो कहते हो कि अध्यात्म जो है ये विज्ञान है। कुछ नहीं बदलना है, दृष्टि बदल गई, भाव बदल गया, विवेक हो गया है। अब वो सब कर्म क्या कर रहा है, परमात्मा के लिए कर रहा है। फल आप भोजन करो, आप ये करो, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, पेट नहीं भरेगा क्या, बताओ। यज्ञ हो गया, यज्ञ क्या हुआ, यदि आपने आहुति दी है ऐसा मन में भाव रखते हुए, मन में ऐसा संकल्प करते हुए, और आपने भोजन, फिर भी आप भोजन ही कर रहे हो, प्राणाय स्वाहा, ये आपका अग्निहोत्र हो गया। अग्निहोत्र माने जिसके लिए हजारों लाखों करोड़ों रुपए लगते, इतना बड़ा यज्ञ हो गया। अभी आप भोजन करते तो रस लेने के लिए, कि मैं रस ले रहा हूं, स्वाद ले रहा हूं, तो वो जो रस है लेना, उससे क्या हुआ, उससे आप बंध भी रहे हैं, पाप पुण्य भी हो रहा है, आसक्ति भी हो रही है ना, गुलाम बन गुलाम हो रहे ना रस के, रसदीन्द्रिया के। अब वही आप आहुति दो, फिर भी आप भोजन चबाना ही है, फिर भी गए। भोजन पचेगा ही, फिर भी शरीर को शक्ति मिलेगी ही, लेकिन ये भाव केवल आपके बने तो वो प्राणाग्निहोत्र हो गया। आपने सुनी आई है पीछे चौथे पांचवे अध्याय में यज्ञ सुनाए हैं ना, कितने प्रकार के यज्ञ बतलाए थे, ये भी यज्ञ बतलाया था कि जो आहुति देना है भोजन, और ज्ञानियों का तो और भी बड़ा बतलाया था, क्या बताया था, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्महविः, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म। तो उनके लिए तो सब कुछ ब्रह्म में ही है, उनके लिए क्या है, सब कुछ ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म में ही है। तो अन्न भी ब्रह्म है, अन्नम वै ब्रह्मा, अन्न को भी क्या मानते, भगवान। अन्न भी क्या है, भगवान। भगवान। जो संसारी उनको भी मानना चाहिए, क्योंकि अन्न ही शरीर को, इंद्रियों को पुष्टि देने वाला है, अन्न ही क्या है, सद्बुद्धि उत्पन्न करने वाला है। सात्विक अन्न होगा, बोलते ना, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि होगी तो क्या होगी, आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, और स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। कहां से शुरू किया, आहार से, कि आहार से भी मोक्ष होता है, क्या होता है, आहार से मोक्ष होता आहार से मोक्ष होता है। कैसे, है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध है तो उससे क्या होगे, आपके अंतःकरण शुद्ध होगा, और सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो आपकी जो स्मृति है वो क्या होगी, ध्रुव होगी, ध्रुव माने निश्चय होगी। ऐसे नहीं कि सत्संग सुना, निकल जाएगा,
और सुनते जा रहे हैं और पीछे भूलते जा रहे हैं, या सुनने के पश्चात थोड़ी भी स्मृति नहीं रहती है। इस कारण से न चिंतन हो पाता है, ना निधिध्यासन हो पाता है, ना तत्व का निश्चय हो पाता है। तो सत्व की शुद्धि होगी तो इसमें ज्ञान वैराग्य, सत्व शुद्धि से अभिप्राय क्या है, विवेक वैराग्य से युक्त तो होगा, तो ध्रुवा स्मृति, उसकी जो स्मृति है वो ध्रुव होगी। और स्मृति लाभे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्षः, जब आपकी स्मृति का आपको लाभ होगा तो फिर पाप का आचरण होगा क्या? नहीं हो आप झूठ क्यों बोलते हैं? भूल गए कि झूठ बोलने में पाप है, बंधन है, पतन होता है। यदि उस समय भी स्मृति बनी रहेगी तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, उसके लाभ हानि सब कुछ बना रहेगा विचार, तब आप झूठ नहीं बोल। तो स्मृति लाभे सर्व ग्रंथी नाम विप्रमोक्षः, स्मृति का लाभ होगा तो जितनी भी गांठे है वो सब की सब गांठे खुल जाएगी। सबसे बड़ी गांठ क्या है? जड़ चेतन की गांठ है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी हुई है ना हृदय में, तो उसी उसी का नाम अज्ञान है। इसका ही नाम क्या है? अज्ञान। अज्ञान है। तो जड़ को चेतन समझ लिया, चेतन के साथ क्या हो गया? तादात्म्य हो गया, इसी से ये बंधा हुआ है बंधन में। तो जब स्मृति का लाभ होगा तो गांठे खुल जाएगी। कितनी ही गांठे मारी हुई है इसने, रोज गांठे मारता है, पता नहीं कितनी गांठे मार, उससे बात नहीं करूंगा, उससे मिलूंगा नहीं, ये खाऊंगा नहीं, वहां जाऊंगा नहीं, है और पता नहीं क्या क्या है, आपको ज्यादा पता है, बहुत गांठे हैं ना, गांठ ही गांठ है। खोल तो गांठ खोल दी, क्या करी? सब गांठे खोल दी, अब कोई गांठ नहीं। और ये सब की सब गांठें किस गांठ के ऊपर गठी हुई है? जड़ चेतन की गांठ। उस गांठ के ऊपर फिर गांठ, फिर गांठ, फिर गांठ, फिर गांठ, फिर गांठ। अब खोलना चाहते हैं आप कौन सी गांठ? जड़ चेतन वाली गांठ। और पहले ये वाली गांठें इनको तो रहने दो महाराज, इनको मत छेड़ो आप, ये हमारा अपना आपसी मैटर है, इनको आप मत छेड़िए, बाकी आप बात करो उसकी। अब ये बताइए वो कैसे संभव है, जिस गांठ के ऊपर ही ये सब गांठे लगी हुई है, ये गांठे नहीं खुलेगी, वो गांठ कभी खुलने वाली नहीं है। समझ आ रही है बात? इसलिए गांठ बांधनी नहीं, गांठ तो खोलनी चाहिए जब भी मौका लगे, जैसे भी मौका लगे, ढूंढ के मुंह ढूंढ के, जैसे भी हाथ पैर जोड़ के, जैसे भी खुलती है ना, क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांग के अकारण भी क्षमा मांग ले तो उससे अपनी विनम्रता है, अपनी सरलता है। हाँ, संसार में कहीं अड़ने की जरूरत नहीं, ना लड़ने की जरूरत, ना झगड़ने की जरूरत, चुपचाप शांति से गुजारा कर लो, ऐसे रहो जैसे पता भी ना लगे कि पड़ोस में कोई है। संसार में कैसे रहो? बताया था ना, साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाही, फूल पात छेड़े नहीं, रहे बगीचे में, बगीचे में है, है? और जैसे इनका सेठ जी का बगीचा है, वहां कोई साधु रहे तो कहे भाई आम आए हुए हैं क्या या लीची आई हुई है क्या, वो कहे जी हमें तो पता नहीं है, बगीचे में है लेकिन फूल पात छेड़े नहीं, उसको मतलब नहीं है। उसको कोई स्वयं समर्पित कर दे, स्वयं ला के दे, वो अलग विषय, अन्यथा उसको कोई मतलब नहीं, क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा है। तो फूल पात छेड़े नहीं, रहे बगीचे माए, तो ये बड़ी बात है ना, संसार में रहे और संसार में कहीं भी भिड़ने लड़ने अड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहो, पता ही ना लगे।
कि आप यों चले गए, अपना काम बना लिया, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर ली, आत्म कल्याण कर लिया, खटपट नहीं की ना है, आवाजें नहीं की, चुपचाप, पता भी ना लगे, चुपचाप जो है परम सिद्धि को प्राप्त कर ले। अच्छा जी, बहुत लंबा करा देते हैं। तो भक्तिम मई पराम भक्ति कृत्वा, मेरी परम भक्ति को करके, ये भी परम भक्ति है, जो भक्तों को के समुदाय में इस परम गुह्य ज्ञान का को कथन करना है, सुनाना है, ये भी क्या है, ये भी भक्ति ही है। भक्ति से अभिप्राय समझ गए, अनन्य भक्ति, क्योंकि इससे सुनाने वाले का भी और सुनने वाले का भी मन किस में लगा हुआ है, परमात्मा में। दृष्टि कहीं ना कहीं किस पर है, परमात्मा पर दृष्टि है। तो इसीलिए ये अनन्य भक्ति होने से इसको पराम भक्ति कहेंगे। ऐसे नहीं कि दृष्टि तो दक्षिणा पर है, सुना रहा है कथा, लेकिन दृष्टि किस पर है, दक्षिणा पर है, या अपनी जो है प्रसिद्धि या प्रशंसा पर दृष्टि है, तो वो तो भक्ति नहीं हुई ना। वो भक्ति किस में आएगी, वो भक्ति आ जाएगी आर्थ या अर्थार्थी, अर्थार्थी में आ जाएगी। चार भक्त बताए थे ना, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, जिज्ञासु जो परमात्मा को जानना चाहता है, क्या चाहता है, केवल परमात्मा को जानना पाना जो चाहता है, उसको क्या कहेंगे, जिज्ञासु। अब रह गए दो, आर्थ माने दुखी और अर्थार्थी माने धन चाहने वाला, और भी जो कुछ चाहना, जिसमें क्या आ गया, चाहना जिसमें आ गया वो अर्थार्थी है। तो ये दोनों भक्त नाम के भगत है। वो भक्ति किस लिए कर रहा है, कि मेरा दुख दूर हो, तो उसके लिए भगवान या भक्ति महत्वपूर्ण है, या दुख दूर करना महत्वपूर्ण है, दुख दूर करना। वैसे ही जो धन चाह रहा है या सांसारिक वस्तु चाह रहा है, तो उसके लिए भगवान या भक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है उसके लिए, है ना, सांसारिक वस्तु है। तो वे दोनों तो कहने के भगत है, ये दोनों क्या है, कहने के भगत। पर ये जरूर है कि वे संसार से ना मांग करके किससे मांग रहे हैं, भगवान से। इसलिए उनको भी भक्त में गिन लिया है, कि चलो मांग भी रहे हैं, मांग तो मेरे से ही रहे हैं, किसी संसारियों से तो नहीं मांग रहे हैं, तो इसलिए उनको गिन लिया। लेकिन वे गौण भक्त है, मुख्य भक्त तो क्या है, कौन है, जिज्ञासु और ज्ञानी। और ज्ञानी तो भक्त क्या, ज्ञानी तो मेरी अपनी। तो इस प्रकार से मेरी पराम भक्ति को कृत्वा करके मामेवा एष्यति असंशयः, वो मुझे ही प्राप्त करेगा, असंशयः, इसमें कोई संशय नहीं, वो मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं, समझ आ गया। आगे देखो, न चा तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मा धन्य प्रियतरो भुवि, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिद् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। तस्माद् मनुष्येषु कश्चिद् मे प्रिय
कृत्तमा ना तस्माद माने जिसलिए मनुष्येषु क्या मनुष्यों में जिस कारण से कश्चिद माने कोई भी मैं प्रिय कृत्तमा ना उस जो मेरे इस ज्ञान को सुनाने वाला है उससे बढ़कर के मेरा प्रिय कार्य करने वाला दूसरा कोई नहीं। समझ आया? तस्माद मनुष्येषु जिसलिए मनुष्यों में कश्चिद अपि कोई भी मैं प्रियकृत्तमः ना मेरा प्रिय करने वाला नहीं है जो इस ज्ञान का प्रचार करने वाला है इस ज्ञान को भक्तों के समुदाय में जिज्ञासुओं को सुनाने वाला है वही मेरा संसार में सबसे अधिक प्रिय कार्य करने वाला है वही सबसे प्रिय कार्य करने वाला है। कई तरह से प्रिय हो रहा है, प्रिय ही प्रिय हो रहा है ना। जो ज्ञान दे रहा है तो उससे क्या होते हैं, अज्ञान दूर होता है, अज्ञानी संसारियों के दुख दूर होते हैं, संसार में शांति की स्थापना होती है, प्रेम की स्थापना होती है, हैं? पाप आचरण मलिन आचरण से मुक्ति मिलती है, संसार में सर्वत्र जो है वो शांति की स्थापना होती है और परमात्मा का ज्ञान सुनने के कारण से सबके सब जीव जो है अज्ञान से मुक्त होकर परमात्म प्राप्ति परमात्म भक्ति करके आत्म कल्याण कर लेते हैं तो लाभ ही लाभ है। कितना लाभ है, कितना लाभ। एक महात्मा थे तो उनके पास जिज्ञासु लोग आते थे सत्संग सुनने कुछ समझने, तो सब जब जाते ज्ञान प्राप्त करके तो कुछ दक्षिणा आदि दे करके जाते। अब एक व्यक्ति था वो भी गुरुजी के पास रहा, ज्ञान सुना ज्ञान प्राप्त किया और कहने लगा गुरुदेव मैं आपको दक्षिणा अभी तो नहीं दे सकता, कुछ समय पश्चात दूंगा। वो चला गया और कुछ समय बाद आया और अपने साथ 10 और लोगों को लेकर के आया और कहने लगा गुरुदेव अब मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ और ये मेरी दक्षिणा है, ये मेरी दक्षिणा। तो गुरु जी कहने लगे भाई समझे नहीं हम। तो वो कहने लगा गुरुदेव आपने जो मेरे को ज्ञान दिया वो ज्ञान मैंने इन 10 लोगों को दिया। क्या 10 लोगों को ज्ञान दिया, वो ज्ञान मैंने इन 10 लोगों को सुनाया। तो वे संत कहने लगे भाई दक्षिणा तो सबने दी लेकिन श्रेष्ठ दक्षिणा तो यही है कि जो इस ज्ञान को प्राप्त करके अपना भी उद्धार करे और साथ ही साथ जो भटके हुए हैं जो पाप आचरण में लगे हुए हैं कम से कम उनको पाप आचरण से हटा करके सदाचरण सत्य आचरण में लगाए। तो ये क्या हुई, ये भी भक्ति है, ये भी भक्ति दान है, ये भी दक्षिणा है, यही श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ दक्षिणा है। भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं ना कि जो मेरे ज्ञान को कहेगा तो वो क्या है, वो मेरी परम भक्ति कर रहा है, मेरे को ही प्राप्त करेगा और इस संसार में भी उससे अधिक मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई दूसरा नहीं। लोग बहुत कार्य कर रहे हैं ना संसार में, जैसे रोजगार दे रहे हैं, बहुत कार्य कर रहे हैं, लौकिक शिक्षा भी दे रहे हैं, वैद्य लोग जो है वो मरीजों को
रोग मुक्त भी कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कार्य भी कर रहे हैं लोग, गौ सेवा आदि भी कर रहे हैं, लेकिन उन सब में कहते मेरा सबसे अधिक जो प्रिय कार्य करने वाला है वो कौन है, वो ये है। इस ज्ञान को जिज्ञासुओं के प्रति कहना, यही क्या है, यही मेरा सबसे अधिक प्यारा कार्य करने वाला है। तस्माद प्रियकृत्तमः न कश्चिदपि, मेरा प्रियकृत्तमः प्रिय कार्य करने वाला न कश्चिद अन्य, और कोई दूसरा नहीं, वही मेरा प्रिय कार्य करने वाला है जो मेरे भक्तों के मध्य में, भक्त से अभिप्राय आप समझ गए होंगे, भक्ति जिसकी श्रद्धा है, जिज्ञासा है, जिसकी चाह है, सुनना चाहता है, तो ऐसे के ऐसे जन समुदाय में इसका कथन करना, यही क्या है, मेरा प्रिय कृत्तम कार्य वह कर रहा है। और भविता नाचा भविता, और भविष्य में और कोई दूसरा मेरा प्रिय कार्य करने वाला और होगा भी नहीं, है ना। प्रिय कार्य करने वाला वही है जो मेरे ज्ञान का प्रसार करना है, ज्ञान को जिज्ञासुओं को सुनाना है, यही मेरा सबसे प्रिय कार्य करने वाला और कोई नहीं है और न ही होगा। अज्ञान दूर करना सबसे बड़ा हुआ है, ज्ञान का दान, अन्नदान बोला है ना, बड़ा दान है, अन्नदान वस्त्रदान अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततोधिकम अन्नेना क्षणिका तृप्तिर यावत् जीवं तु विद्याया। अन्नदान महादान है, लेकिन विद्यादान तो बहुत बड़ा दान है। विद्यादान लौकिक विद्या तो है ही, लौकिक विद्या का दान वो तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन विद्या, विद्या किसको कहा है, सा विद्या या विमुक्त, विद्या किसको कहते हैं, जो मुक्त करे, विद्या जो मुक्त करती है। जितनी भी विद्याएं है, चाहे रोटी बनाने की विद्या है, वो भी अज्ञान से मुक्त करती है, लेकिन किस अज्ञान से मुक्त करती है, छोटे से अज्ञान से। लेकिन ये जो ब्रह्म विद्या है, ये समस्त अज्ञान से मुक्त करती है, इसलिए इसी को विद्या कहा है। वो तो बाकी सब तो उस क्या है, अविद्या में ही गिना गया है, संसार वो आया था ना उस उपनिषद में, आता है द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचा पराचेति, दो विद्या है, एक पराविद्या एक अपराविद्या। पराविद्या अपराविद्या क्या है, जो भी ऋग वेद यजुर साम आदि जितनी भी विद्याएं हैं वो सब अपर विद्या, अपर माने नीचे की विद्या है। पराविद्या क्या है, यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा उस अक्षर ब्रह्म अपनी आत्मा का बोध होता है, प्राप्ति होती है, वही पराविद्या है। बाकी जितनी भी विद्याएं, ऋग्वेद भी यजुर्वेद भी सामवेद भी, सब जितनी भी विद्या है, सब की सब क्या है, अपरा विद्या है। परा विद्या केवल क्या है, जिसके द्वारा उस पढ़ के कोई समझे सेठ जी, अच्छा जी यही खड़े रहूंगे आप। जो वेदों का कहना है, तस्माद अन्य प्रियतरः भुवि भुवि, जो इस भूलोक में, जो तस्माद अन्य प्रियतरः में न अस्ति न भविता, उससे अधिक मेरा प्रिय करने वाला और उससे अधिक प्रिय, उससे अधिक प्रिय करने वाला भी कोई नहीं है, और उस ना होगा ही, और उससे अधिक मेरे को इस पृथ्वी पर कोई
प्रेमी नहीं है, वो मेरा सबसे अधिक प्रेमी है। वो क्या है? मेरा सबसे बढ़कर के प्रेमी है जो मेरे इस गीता ज्ञान को जिज्ञासुओं को सुनाता है। तस्माद् अन्य प्रियतर भुवि न अस्ति न भविता। न तो उस गीता शास्त्र प्रचारक से बढ़कर के मेरा प्रेमी दूसरा कोई नहीं हो सकता। वही मेरा सबसे अधिक प्रिय भी है। और प्रिय क्यों है? क्योंकि वो प्रिय करने वाला है। अब प्रिय तो सब होना चाहते हैं, और प्रिय करने वाले होना नहीं चाहते है? जैसे एक बालक है, दो बालक है, एक को माता पिता अधिक प्यार करते हैं, दूसरे को कम करते हैं, तो उसको ये शिकायत रहती है कि मेरे को कम क्यों करते हैं। पर ये नहीं सोचता कि उसको ज़्यादा क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं कमी उसके, वो क्या है, अनुकूल आचरण करने वाला है, सेवा करने वाला है, इसी कारण से उसको क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तेरे को नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि तू आज्ञाकारी नहीं है, क्योंकि तू आलसी है, प्रमादी है, इस कारण से। कारण तो स्वयं ही हुआ ना। तो मेरा जो प्रिय करने वाला होता है वही प्रिय होता है। सभी को संसार में प्रिय करने वाला ही तो प्रिय होता है, और जो अप्रिय करने वाला हो वो किसको प्रिय होता है? वो किसी को प्रिय होता है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस ज्ञान का प्रचार करने वाला मेरा सबसे अधिक प्रिय कार्य करने वाला है, इसी कारण से वो मेरे को सबसे अधिक प्रिय है। आगे देखो जी। अध्यस्येते चया इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेना मिष्टाश्यामिति मे मतिः। अध्यस्येते च या इमं धर्म्यं संवादं आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेन अहम् इष्टः स्याम् इति मे मतिः। आवयोः इमं धर्म्यं संवादम्। आवयो माने तेरा और मेरा, माने हमारा। हमारा ये जो धर्म्यं, धर्मयुक्त, हमारा ये जो धर्मयुक्त संवादम, संवाद है। ये क्या है? संवाद, विवाद, वाद बदला है ना, ये क्या है? संवाद है। संवाद क्या होता है? गुरु शिष्य का क्या होता है? संवाद होता है। और जो आपस में वो क्या होता है? वाद विवाद होता है। उसके भी अनेकों भेद बतलाए थे ना आपको, जल्प वितंडा। क्या बतलाए थे? जल्प वितंडा और एक में भी भूल गया, बता। वाद, जल्प और वितंडा, तीन बतलाए थे। वाद, वाद माने संवाद, जल्प माने मतलब दूसरे का मत खंडन करके अपना मत उपस्थित करना, इसको क्या कहा था? जल्प। और वितंडा इसको कहते थे कि दूसरे का पक्ष खंडन कर देना, चलो ठीक है ये गलत है, आप बताओ कि मैं, ये मेरे को पता नहीं पर ये गलत है, सही मेरे को पता नहीं है लेकिन ये, इसको वितंडा कहते हैं, है ना। हाँ, ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे। तो वाद माने संवाद। तो हमारा ये जो धर्म युक्त संवाद है,
यह इमम अध्यस्येते, जो क्या है इसका अध्ययन भी करेगा, जो सुनाएगा वो तो बता दिया है, जो इसका अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टः स्याम। उस अध्ययन रूपी ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं पूजित अपने आप को मानूंगा कि मेरी पूजा कर रहा है। तो सद ग्रंथों का जो पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, ये क्या है, ये परमात्मा की पूजा करना है। कहा है ना, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम तद्धि तपः तद्धि तपः तद्धि। पूछा तप क्या है, हैं? किसने कहा एक पैर पर खड़े होना तप है, किसने भूखे मरना तप है, पानी में खड़े होना तप है, क्या नहीं, कोई तप नहीं है। स्वाध्याय करना ही तप है। तब क्या है, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय प्रवचन ही तप है। और पीछे भी आपने अनेकों प्रकार के यज्ञ सुने, उन सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ क्या बतलाया था, द्रव्य यज्ञ बतलाए, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संस्थिता। अनेकों प्रकार के यज्ञ बतलाए, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ, उन सब में श्रेष्ठ यज्ञ क्या बताया था, ज्ञान यज्ञ। सब में श्रेष्ठ क्या बताया था, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है, ये ज्ञान यज्ञ, ये जो सत्संग है जिसमें परमात्म स्वरूप का कथन किया जाता है। सगुण परमात्मा की भक्ति की बात नहीं है यहाँ पर, जो परमात्मा का निर्गुण निराकार अपना आत्म स्वरूप है उसका जो वर्णन करना है, विवेचन करना है, यही क्या है, यही ज्ञान यज्ञ। समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ होगा, सबसे बड़ा यज्ञ। अच्छा जी, तो क्या बताए है, इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा तेन अहम इष्टः श्याम, इस ज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा मैं अपने आप को पूजित मानूंगा, इति मे मति, ये मेरा निश्चय है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो हमारे धर्म युक्त इस संवाद को पढ़ेगा भी, अध्ययन भी करेगा, इसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने आप को इष्टः श्याम पूजित मानूंगा, इति मे मति, ऐसा मेरा निश्चय। तो स्वाध्याय करना, चिंतन करना, ये क्या है, ये भजन है, ये पूजन है, स्वाध्याय करना, क्योंकि इससे ही क्या होते हैं, अज्ञान दूर हो के, विकार दूर हो करके, इतना लाभ सत्संग और स्वाध्याय का है। जो सद्गुण, जो ज्ञान, जो अकल लाखों वर्ष तप करके आती, वो क्या है, सत्संग से 10 सेकंड में मिल जाती है। जो ज्ञान, जो अकल हजारों वर्ष लाखों वर्ष तप करके नहीं आनी थी, जैसे सत्य बोलो, ये छोटी छोटी बातें नहीं, बहुत बड़ी बातें हैं। क्रोध मत करो, सरलता अपनाओ, किसी से द्वेष मत करो, जीव मात्र से प्रेम करो, किसी की हिंसा मत करो, किसी की निंदा मत करो, साधारण बातें नहीं है,
साधारण ज्ञान नहीं है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन वो साधारण लगती है। क्या लगती है? ये साधारण हो गई, लेकिन इनका जो तत्व है, इनका जो रहस्य है, वो व्यक्ति इससे परिचित नहीं है। परिचित होवे ना, क्योंकि यही अध्यात्म की यात्रा में, इस जीव की उन्नति में यही सहायक है। जैसे सत्य बोलना बहुत साधारण माना गया है, लेकिन सत्य को तो प्रतिष्ठा कहा है। तब बतलाया था ना वाणी का, सत्यम प्रियम हितम च यत। क्या बतलाया था वाणी का तब? सत्यम अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। कैसा वाक्य? जिससे किसी के चित्त में उद्वेग ना हो, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी, ऐसा जो वचन है यही वाणी का तप है। ये क्या हुआ? वाणी का दाणी। तो ये छोटी छोटी बातें, सत्य भाषण, तो सत्य को तो सबसे पहले रखा गया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो पांच यम है, उनमें सबसे पहले क्या है? जो सत्य भाषण नहीं करता है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात? जिसके जीवन में सत्य भाषण नहीं, केनो उपनिषद में तो आया है ना, क्या आया? सत्यम प्रतिष्ठा। सत्य क्या है? प्रतिष्ठा है। जैसे हम मकान बनाते हैं, जमीन के ऊपर बनाते हैं ना, तो जमीन क्या है, पृथ्वी क्या है? प्रतिष्ठा है हमारी। हम सब कहाँ प्रतिष्ठित है, कहाँ बैठे हुए, कहाँ टिके हुए? तो वैसे ही सत्य के ही प्रतिष्ठा है परमात्म प्राप्ति की। मोक्ष का भवन आत्म कल्याण के ऊपर ठहरेगा। तो इतना ही रखते हैं।